हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर वर्ल्ड। दोस्तों, एमएस वर्ड की पिछले वीडियो में हमने आपको क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ब्लॉक के बारे में बताया था और साथ ही एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन, एमएस वर्ड के सारे शॉर्टकट कीज और एमएस वर्ड को कई प्रकार से किस तरह ओपन कर सकते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज हम सीखने वाले हैं होम टैब के पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच। तो चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं होम टैब में पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में। हम एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए रन कमांड का यूज़ कर रहे हैं। एमएस वर्ड को आप बहुत तरीकों से ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और आपको वहां पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। तो हम यहां पर रन कमांड के द्वारा एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से विंडो और आर बटन प्रेस करना है। जैसे विंडो आर बटन प्रेस करते हैं, आपके सामने रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको विन वर्ड टाइप करना है और उसके बाद सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है या माउस के द्वारा ओके पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो गया है। इसके पिछले वीडियो में मैंने क्लिपबोर्ड ब्लॉक और फॉन्ट ब्लॉक के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कर आसानी से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ में आपको जितने भी ऑप्शन एंड कमांड्स हैं, आज आप उन सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, बारी बारी से हम सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में जान लेते हैं। पैराग्राफ ब्लॉक में जितने भी ऑप्शन हैं, उन सारे ऑप्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ वर्क कर लेते हैं। इसके लिए एमएस वर्ड का एक अपना कमांड होता है, जिसके द्वारा आप एमएस वर्ड में 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको टाइप करना है इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ 9 और 0, जिससे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट टाइप हो जाएगा। उसके बाद अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे इस डॉक्यूमेंट में 3 पैराग्राफ फिल हो चुके हैं। हम इसे ग्रो फॉन्ट के द्वारा इसके साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पैराग्राफ ब्लॉक का सबसे पहला ऑप्शन है बुलेट। इस ऑप्शन की यूज से आप अपने लिखे गए सेंटेंस के फर्स्ट में बुलेट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर 3-4 पैराग्राफ में इसे डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इन सारे पैराग्राफ के फर्स्ट में बुलेट इंसर्ट हो, तो आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है और बुलेट पर क्लिक कर देना है। या बुलेट के राइट साइड में एक ड्रॉप डाउन बटन है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बुलेट शो करेंगे, जिसका प्रीव्यू आपको अपने डॉक्यूमेंट में दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जिस भी बुलेट को सिलेक्ट कर रहे हैं वैसा प्रीव्यू हमें शो कर रहा है। अगर आप नया बुलेट बनाना भी चाहते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करना है और जैसे ही डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने डिफाइन न्यू बुलेट का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको बुलेट कैरेक्टर शो कर रहा है, जिसमें आप सिंबल, पिक्चर या फॉन्ट, आप किस तरह के बुलेट इंसर्ट करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। अलाइनमेंट शो कर रहा है कि आप अपने बुलेट को कहां पर शिफ्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट में या राइट में। तो हम यहां पर पहले सिंबल शो देख लेते हैं। सिंबल में आपको देख सकते हैं हमारे सामने कितने सारे सिंबल शो कर रहे हैं। आप जिस भी सिंबल को अपने बुलेट के रूप में इंसर्ट करना चाहते हैं, सिंपली आपको उस सिंबल पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से आप यहाँ पर अलाइनमेंट में सिलेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट, सेंटर या राइट। तो हम यहाँ पर लेफ्ट रहने देते हैं और उसके बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर देते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं हमारे सामने वो बुलेट इंसर्ट हो गया। इसी तरह आप यहाँ पर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करना है और पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से आपके सामने पिक्चर बुलेट का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको डिफॉल्ट रूप से पहले से इतने सारे पिक्चर दिए होंगे, लेकिन अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप से कोई पिक्चर को बुलेट के रूप में इंसर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए सिंपली आपको इंपोर्ट पर क्लिक करना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने ऐड क्लिप टू ऑर्गेनाइज का विंडो ओपन हो गया है। इसमें आपको उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है, जिस लोकेशन में आप किसी पिक्चर को रखे हैं और उसी पिक्चर को आप बुलेट के रूप में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारे सामने यहाँ पर कैप्चर के नेम से एक JPG फाइल है। इसे हम सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर ऐड पर क्लिक कर देते हैं।
और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने वो पिक्चर यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद सिंपली आपको इस पर सिलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से आप यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट के प्रीव्यू में देख सकते हैं हमारा कैसा ये शो कर रहा है। उसके बाद सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने वो बुलेट इंसर्ट हो गया है। इस तरह से आपने सीखा बुलेट ऑप्शन का यूज करना। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है नंबरिंग, इस ऑप्शन की यूज से आप अपने लिखे गए टेक्स्ट के फर्स्ट में नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही नंबर के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे डिजाइनों में यहाँ पर नंबर शो करेगा। आप जिस भी डिजाइन में आप नंबरिंग इंसर्ट करना चाहते हैं सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने ये नंबरिंग फिल हो गया है। इसके बाद आप जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं आपके सामने नेक्स्ट नंबर खुद से फिल हो जाएगा। और आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर फिर से इंटर करते हैं तो ये खुद से नंबर फिल होता जाएगा। इसी तरह इसमें भी आपको बहुत सारे नंबर खुद से डिफाइन करने के लिए दिया गया है। इसी तरह आप डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर क्लिक कर आप खुद से अपने मन चाहे डिजाइन में आप नंबर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नंबर के डिजाइन आपको शो करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर देते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने नंबर के डिजाइन चेंज हो गए हैं। हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में सीखते हैं। इस ऑप्शन का यूज बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए किया जाता है। इस ऑप्शन के यूज से आप अपने लिखे गए टेक्स्ट को मल्टी लेवल लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और मल्टी लेवल लिस्ट के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइल शो करेंगे। आप जिस भी स्टाइल में अपने फॉन्ट को लिखना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट कर आसानी से उसे चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं हमारे सामने वो फॉन्ट का स्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन इंक्रीज इडेंट और डिक्रीज इडेंट के बारे में सीखेंगे। इस ऑप्शन की यूज से आप अपने डॉक्यूमेंट में मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे हॉरिजेंटल और वर्टिकल रूलर लाइन में लेफ्ट इडेंट और राइट इडेंट शो करते हैं। उसी तरह पैराग्राफ ब्लॉक में डिक्रीज इडेंट और इंक्रीज इडेंट होते हैं। इस ऑप्शन के यूज से आपने लिखे गए टेक्स्ट के मार्जिन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए आपको उसे सिलेक्ट करना है और सिंपली इंक्रीज इडेंट पर क्लिक करना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट का मार्जिन इंक्रीज होता जा रहा है। और इसी तरह डिक्रीज इडेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे टेक्स्ट का मार्जिन डिक्रीज होता जा रहा है। इस ऑप्शन का यूज आप टेक्स्ट को टाइप करने के बाद या टाइप करने से पहले भी कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है सॉर्ट, इस ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। इस ऑप्शन के यूज करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ नंबरिंग टाइप कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ नंबर टाइप कर लिया। सॉर्ट ऑप्शन की यूज से आप सिलेक्टेड टेक्स्ट और नंबर को अल्फाबेटाइज कर सकते हैं, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 के बाद 6, फिर 5, 3, 1, 4, 7, 0, 9, इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसे किसी भी ऑर्डर में नहीं लिखा है। और अगर आप चाहते हैं कि इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो इसके लिए सिंपली आपको इन सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही सॉर्ट टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने सॉर्ट बाय, इसमें आपको पूछेगा आप पैराग्राफ और किस टाइप के ऑप्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि मैंने यहाँ पर नंबर लिखा है इसलिए यहाँ पर नंबर शो कर रहा है और इसीलिए आपको पैराग्राफ और फील्ड वन शो कर रहा है। तो यहाँ पे पैराग्राफ छोड़ देते हैं और उसके बाद आपसे यहाँ पूछेगा कि आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर ही छोड़ देता हूँ और उसके बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर देते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में हो गया 0, 1, 2, 3, 4। इस तरह से आपने सीखा सॉर्ट ऑप्शन का यूज। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा शो और हाइड, इस ऑप्शन को यूज करने से पहले मैं यहाँ पर टैब का यूज कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने पैराग्राफ में टैब का यूज कर लिया। इससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए तो हम शो और हाइड ऑप्शन का यूज आपको बता देते हैं। इस ऑप्शन की यूज से आप अपने डॉक्यूमेंट में आप कितनी जगह स्पेस, कितनी जगह आपने पैराग्राफ चेंज किया और कितनी जगह आपने टैब का यूज किया
इससे आपको पता चल जाता है। जैसे ही आप शो और हाइड पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर आपको शो और हाइड का सिंबल शो करने लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन के बाद मैंने स्पेस का यूज़ किया था तो यहाँ पे स्पेस की जगह पर आपको शो कर रहा है एक पॉइंट, और उसी तरह यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ चेंज किया तो यहाँ पर शो और हाइड का आइकन शो कर रहा है। उसी तरह मैंने यहाँ पर टैब का यूज़ किया तो यहाँ पर एक तीर का निशान आपको शो कर, उसी तरह आपको नीचे यहाँ पर शो कर रहा है मैंने यहाँ पर टैब का यूज़ किया। और जैसे ही मैं अभी यहाँ पर टैब का यूज़ करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तीर का निशान शो कर रहा है और स्पेस करने पर पॉइंट शो कर रहा है। और पैराग्राफ जैसे ही चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर ये शो और हाइट का आइकन शो कर रहा है। इस तरह से आपने सीखा शो और हाइट ऑप्शन का यूज़ करना। अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको शो और हाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में वो हाइड हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। इस ऑप्शन की यूज से आप अपने डॉक्यूमेंट में आप किस तरह टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं इसे सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से हमारा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट सिलेक्ट रहता है। इस ऑप्शन का यूज आप टेक्स्ट को लिखने के बाद या टेक्स्ट को लिखने के पहले भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं वो सारे लेफ्ट से राइट लिखे गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट टाइप हो तो उसके लिए आपको सिंपली राइट वाले अलाइन टेक्स्ट राइट पर क्लिक कर देना, और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जितना भी टेक्स्ट है राइट टू लेफ्ट फिल हो गया। और अगर आप अपने लिखे गए टेक्स्ट को सेंटर से लिखना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल अपने लिखे गए टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सेंटर पर क्लिक कर देना है, और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा सारा टेक्स्ट सेंटर में हो गया। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर फिर से टाइप कीजिएगा तो ये सेंटर से ही टाइप होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो ये सेंटर से ही टाइप हो रहा है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जस्टिफाई। इस ऑप्शन का यूज बेसिकली हम अपने डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं। इस ऑप्शन के हेल्प से आप अपने लिखे गए पैराग्राफ को दोनों तरफ से जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ से बराबर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इन सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जस्टिफाई पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लेफ्ट इडेंट और राइट इडेंट दोनों इक्वल हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है लाइन स्पेसिंग का यूज करना सीखते हैं। इस ऑप्शन की यूज से आप दो लाइनों के बीच या पैराग्राफों के बीच की स्पेसिंग यानी उनकी दूरियों को कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको वो दोनों लाइनों को सिलेक्ट करना है जिन दो लाइनों के बीच या दो पैराग्राफ के बीच की दूरियों को आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं, और उसके बाद लाइन स्पेसिंग के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने इतने सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं। आप इसमें जितने भी इंच में लाइन स्पेसिंग करना चाहते हैं आप उसे सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे दो लाइनों के बीच की दूरियाँ इंक्रीज हो गई। उसी तरह हम यहाँ पर इसे और कम करके देख लेते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे दो लाइनों के बीच की दूरियाँ घट गई है। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है शेडिंग का यूज करना सीखते हैं। इस ऑप्शन के हेल्प से आप अपने टेक्स्ट और पैराग्राफ के बैकग्राउंड में ये एक तरह का हाइलाइटर के जैसा है, इससे आप अपने टेक्स्ट के साथ पैराग्राफ को भी कलर कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और शेडिंग वाले ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी कलर में आप अपने टेक्स्ट को अपने पैराग्राफ को चेंज करना चाहते हैं आप आसानी से उसे कर सकते हैं। इस तरह से आपने सीखा शेडिंग ऑप्शन का यूज़ करना। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ बताया था, आप यहाँ पर उस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करना है जिससे हमारा सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको फॉन्ट में क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन शो कर रहा है। इसमें आपको जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पर माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हैं और आप देख सकते हैं हमारा सारा फॉर्मेटिंग क्या हुआ क्लियर हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन बॉर्डर के बारे में सीखते हैं। इस ऑप्शन की यूज से आप सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ के बॉटम में लेफ्ट में राइट में या सेंटर में बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद बॉर्डर के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन शो करेंगे
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, आप जिस भी तरह के बॉर्डर यहाँ पे लगाना चाहते हैं आप आसानी से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर चूज किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लिखे गए टेक्स्ट के आउटसाइड में बॉर्डर फिल हो गया है। उसी तरह यहाँ पे आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर और टॉप बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा बॉर्डर यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। इस तरह से आपने सीखा पैराग्राफ ब्लॉक के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप भी चाहते हैं एमएस वर्ड के सारे शॉर्टकट कीज के बारे में जानना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कर आप उस वीडियो को देखें।